दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे आप सब फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको खबर देने वाला हूँ जो लीडर्स के दिल को बिल्कुल झकझोर देने वाला है दोस्तों, ये न्यूज ऐसी है ऑस्मोस कंपनी के रिगार्डिंग, जिन्होंने मार्केट से भागने का पूरा प्लान बना लिया है दोस्तों, और लीडर्स को गुमराह किया जा रहा है कि हम नया प्लान लेकर आए हैं, उसमें लीडर का भविष्य सुरक्षित है। हम कैसे मान ले इस बात को, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना डिसीजन खुद ले। दोस्तों जब कोई कंपनी मार्केट में आती है तो अपने एक विजन के साथ आती है, अपने एक प्लान के साथ आती है जो लॉन्ग टर्म तक चल सके। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां आ जाती हैं जिनका ओपनिंग का डेट भी फिक्स होता है और क्लोजिंग का डेट भी फिक्स होता है। जहाँ तक ऑस्मोस कंपनी के प्लान के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने प्लान तो बहुत ज़बरदस्त लेके आया, लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए ले आए, लोगों एक झटके में लाखों हज़ारों लोग ज्वाइन हो गए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को अगर आप जानेंगे तो आपके पैर के तले की ज़मीन खिसक जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि 1200 के प्लान में भला पर डे 20-20 रुपया 4 महीने तक कंपनी कैसे देगा, 2400 रुपये होता है। उसके अलावा लेवल इनकम डाउनलाइन वाले से, और इस चीज़ का बहाना करना कि हम जो टास्क कंप्लीट करते हैं उसका प्रमोशन करते हैं वेबसाइट फेसबुक ट्विटर के जरिए, जिससे हमें ऐड से पैसा मिलता है और उस पैसे को हम लीडर्स में बांटते हैं, ये भला कैसे संभव हो सकता है। जब ऐसा ही हो रहा था तो वेबसाइट को क्यों चेंज किया गया, लीडर्स के पे आउट को क्यों रोका गया, लेवल इनकम को क्यों बंद किया गया, वेबसाइट को इंटरनेशनल मोड में क्यों बदल दिया गया। दोस्तों जब पिछला इतिहास को आप देखेंगे बहुत सारे कंपनियों का, जैसे फ्यूचर मेकर हो गया, मिलीनायर हो गया, एवरग्रीन हो गया, स्मार्ट इंडिया वैलेट हो गया, रॉयल ग्लोबल इंडिया हो गया, मतलब इस प्रकार की बहुत सारे मार्केट में कंपनियाँ हैं जो आकर्षक प्लान को लेकर आती है और उनका फिक्स होता है क्लोजिंग का डेट। तो जब लेनदारी उनकी कम आती है और देनदारी जब ज़्यादा होती है तो कंपनियां, आप जैसे समझ लीजिए कि 20 दिन तक 1200 रुपया आपका कंपनी ने रखा है और 20 दिन के बाद भी नहीं, 25 दिन में आपका 500 रुपया पहुंचता है, तब आप जाके विड्रॉल लगाते हैं, उसके बाद भी 3 दिन, बोले तो लगभग 1 महीना आपके पैसे को कंपनी ने रखी। तो आप समझ लीजिए 1 महीना के अंदर लाखों आईडी अगर लगी तो कंपनी के पास खरबों रुपया पड़ा हुआ। दूसरा, जिन लीडर्स का 25,000 30,000 40,000 80,000 पर डे का इनकम था, उनका इनकम ही इतने दिनों से ब्लॉक होकर रखा हुआ है। अब कंपनी पैसा दे कहाँ से, कंपनी के पास समस्या है कि आ तो रहे 1200 रुपया लेकिन लीडर्स को देना है। शुरू में तो कंपनी दी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख कर आएँ, अब जब उनको देनदारी हो गई तो उन्होंने झट से प्लान चेंज कर दिया। कल का वाक्य बताता हूँ कि बताया गया कि टास्क कंप्लीट नहीं होता है, मैंने भी कोशिश करी अपना टास्क कंप्लीट करने का, टास्क हमने कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन आज मैं देखा तो मेरे वैलेट में पैसे क्रेडिट नहीं हुए। अब इतने सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपये का पिन लेकर रखा है आईडी एक्टिवेशन के लिए, बताइए उनके साथ क्या होगा। और इतने मेहनत करके एक लीडर दूसरे लीडर्स को लेकर आता है, उसको ट्रेनिंग देता है, और नए प्लान अगर आप लेकर आते हो तो हम कैसे विश्वास करें। आप प्लान लेकर आए ही पहले क्यों, जब आपको प्लान चेंज करना ही था। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जान पड़ता है, जो लास्ट का भविष्य पिछले हिस्ट्री आप देखेंगे कि कंपनियों ने किया है, कि जब देनदारी हो जाती है तो प्लान को चेंज कर दिया जाता है और लीडर को उलझा के रखा जाता है और बैक डोर से अपना दुकान को क्लोज करने की फिराक में कंपनियां होती है। उसी में से एक कंपनी है ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने डॉलर कमाने का आप सपना दिखाया, लोगों का लाखों रुपया लूट लिया और वो रुपया करोड़ों रुपया लूट लिया, अब डॉलर का सपना दिखा रही है। और इस चक्कर में लीडर्स धीरे धीरे कंपनी को छोड़ने लगेंगे और ये अपना दुकान बंद करके चली जाएगी। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, अपने सीनियर के ऊपर अटैक कीजिए जो भी आपको ज्वाइन किया है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर हो, बोलिए हमारा पैसा वापस करो, हमारा पे आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लाखों रुपया कमा चुके हैं, वो कंपनी का गुणगान करेंगे और आपको बोलेंगे तुम शांत रहो शांत रखो।
और जो भी सीनियर्स लीडर हैं जिनके 25,000-30,000 पर डे आ रहे थे, उनका इनकम को जीरो कर दिया गया है, उनको भी कंपनी के ऊपर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के एमडी के ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। जल्द से जल्द उनका कालर पकड़ के बीच रोड पे जूते मारना चाहिए, ताकि और एमडी और जो सीईओ हैं जो ऐसे कंपनी खोलने के फिराक में हैं, लोगों को चीट करने का कोशिश कर रहे हैं, चीट फंड जैसा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तमाचा हो और ये लोग सबक ले सके। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और जितने भी लीडर्स कन्फ्यूजन पाले हुए हैं कि ये अपना ऑसमोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लंबा चलने वाली है, ऑसम और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हम नए लीडर्स को लेकर आएंगे, तो बिल्कुल मत लेकर आइए, क्योंकि लीडर्स को लेकर आप आएंगे आपका सिर दर्द बढ़ेगा, क्योंकि यहां से आपको एक रुपया मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कंपनी के ऊपर प्रेशर बने और लीडर्स का पे आउट क्लियर करें, और नहीं तो किसी को पैसा एक रुपया मिलने वाला नहीं है। जल्द से जल्द कंपनी के ऊपर धावा बोलना पड़ेगा, ताकि वो दुकान बंद करने से पहले, नहीं तो आप कल होकर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा दुकान में शटर लगा हुआ है, फिर दो चार दिन हो हल्ला मचाएंगे, फिर ढाक के तीन पांच। तो पूरे लीडर्स को इन्फॉर्म कीजिए, और जहां ये कंपनी का ऑफिस है वहां पे अटैक किया जाए उनको खींच कर, कि अगर प्लान तूने चेंज किया तो किससे पूछ के चेंज किया, हम तुम्हारे बदुआ मजदूर नहीं हैं, हम एसोसिएट हैं, हमारी क्या गलती है, 1200 रुपया क्या पैर पर उगते हैं? इस लॉकडाउन में लोग इतने समस्या से ग्रसित है, अपना जीविका काट के लोग 1200 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बावजूद जब देनदारी आती है तो तुम पीछे हट जाते हो। बिल्कुल दोस्तों, नए लीडर्स को मत लेकर आइए, और वहां जाकर अटैक करना है और कालर पकड़ के चौराहे पे चार जूता मारना है, और ताकि लोगों को सबक मिल सके दोस्तों। तो नए लीडर्स को प्लीज़ मत लाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।